यूट्यूब चैनल एक्सेल इन्फोटेक में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद और आज का हमारा टॉपिक है सैलरी शीट। आप देखेंगे एग्जांपल के लिए मैंने एक शीट ली हुई है जिसमें मैंने कुछ एम्प्लॉयज़ की आईडी लिखी हुई है, एम्प्लॉयज़ के नेम लिखे हुए हैं, उनकी मंथली सैलरी लिखी हुई है और उनका वर्किंग डे लिखा हुआ है कि यानी उन्होंने 30 या 31 दिनों के अंदर टोटल कितने दिन जॉब की है, यानी कितने दिन वर्क किया है। इसके बाद यहाँ पर हमने कुछ उनके ओवर्स टाइम लिखे हुए हैं और यहाँ पर हमें निकालना है उनका ओवर टाइम डे, यानी कि अगर उन्होंने 45 घंटे का ओवर टाइम किया है तो उनका कितने दिनों में वो कन्वर्ट हुआ वो निकालेंगे। इसके बाद हम ओवर टाइम अमाउंट निकालेंगे, उसका ग्रॉस सैलरी, ESI और नेट पेमेंट, ये सारी चीज़ें हम लोग निकालेंगे। तो चलिए शीट को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, हम इसी तरह से आपके लिए बेहतरीन वीडियोज़ लाते रहेंगे। तो चलिए शीट को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए हमको करना क्या है, सबसे पहले वर्किंग डे अमाउंट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर यूज़ करना है इज़ इक्वल टू। यूज़ करने के बाद आपको लेना है वर्किंग डे की रेंज, यानी आपने अगर 25 डेज तक वर्क किया हुआ है तो आप इसकी रेंज लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करिए। किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, जितनी आपकी महीने की सैलरी है। अगर यदि आपकी सैलरी है 22,637 रुपये तो इससे इसको मल्टीप्लाई करिए और डिवाइड कर दीजिए 31 से। यानी अगर आपके आपका 30 दिन का महीना है या 31 दिन का महीना है तो आप वो दिन यहाँ पर लिख करके एंटर कर दीजिए, तो आपका जो वर्किंग डे अमाउंट आया वो आपका आ गया 18,255 रुपये। यानी कि आपकी जो सैलरी थी वो थी 22,637 रुपये, आपने 25 दिन जॉब की, 25 दिन काम किया, 5 दिन आप एबसेंट थे, तो आपकी जो सैलरी आपको मिलेगी वो 18,255 रुपये 6 पैसे आपको मिलेगी। इसी तरीके से आप इसे ट्रैक करके नीचे की तरफ ट्रैक कर दीजिए, सभी का जो डेटा है वो शो हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं आवर्स की, यानी इतने घंटे अगर आपने ओवर टाइम किया हुआ है तो आपका ये जो ओवर टाइम हो वो हम लोग कन्वर्ट करेंगे डेज के अंदर। तो डेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको सिंपल करना क्या है, इज इक्वल टू का यूज़ करना है, आपको लेना है ओवर टाइम आवर्स की रेंज और डिवाइड कर दे रहे हैं आपको जितना भी आपका वर्किंग डे रहता है। यानी कि नॉर्मल कंपनीज के अंदर 8 आवर्स का वर्किंग डे रहता है तो इसको 8 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे आप एंटरप्राइज करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर 6 डेज शो हो गया, यानी 45 घंटे का अगर आपने ओवर टाइम किया हुआ है तो आपका लगभग वो 6 दिन के आसपास बनेगा। अब ओवर टाइम अगर आपने 6 दिनों का किया हुआ है तो 6 दिन का जो ओवर टाइम है उसका अमाउंट कितना हुआ उसको निकालने के लिए आपको करना होगा इज़ इक्वल टू का यूज़ करने के बाद आपको सेम ओवर टाइम डे की रेंज लेनी है, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, आपकी जो मंथली सैलरी है उससे, और डिवाइड कर देना है 31, यानी जितना भी आपका महीने के अंदर दिन है उससे। एंटर करिए तो आपका जो ओवर टाइम अमाउंट बना वो बना 4,107.52 रुपये। इसको ड्रैग कर दीजिए नीचे की तरफ। अब बात करते हैं ग्रॉस सैलरी की, तो ग्रॉस सैलरी अगर आपको निकालनी है तो ग्रॉस सैलरी के लिए आप करेंगे यहाँ पर इज़ इक्वल टू का यूज़ करने के बाद आपको लेना है वर्किंग डे अमाउंट, यानी इतना पैसा आपको 25 दिन जॉब करने के बाद मिला है, प्लस आपको लेना है टोटल ओवर टाइम अमाउंट, यानी इतना पैसा आपको मिला है ओवर टाइम करने के बाद, तो टोटल को आप प्लस कर दीजिए। प्लस करने के बाद आपका आ गया ये टोटल ग्रॉस पेमेंट, यानी आप महीने में जो पैसा उठाओगे वो ये उठाओगे। इसके बाद बात करते हैं ESI की, तो ESI आपका डिटेक्ट होता है जिसके बारे में मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ पेमेंट शीट के अंदर। तो इसके लिए आपको करना है इज़ इक्वल टू, यहाँ पर लेना है ग्रॉस सैलरी की रेंज, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 4% से और प्रेस करेंगे एंटर। एंटर प्रेस करने के बाद आपका इतना पैसा जो है वो आपका डिटेक्ट कर लिया जाएगा आपके ग्रॉस पेमेंट में से। इसके बाद नेट पेमेंट निकालने के लिए आपको यही करना है, सिंपल इज़ इक्वल टू का यूज़ करना है, यहाँ से लेना है आपको ग्रॉस सैलरी की रेंज और माइनस कर देना है आपको क्या ESI। एंटर प्रेस करने के बाद आपकी नेट पेमेंट शो अप हो जाएगी। तो ये थी आपकी सैलरी शीट। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए।